अब हम आप सबको दिखाएंगे कि ये तोता आपके घर पे सोने का अंडा क्यों नहीं देता। चीता और संतोष, अब आप लोगों को वैसा करना होगा जैसा हम कहेंगे। जी जी मैडम। जी मैडम। तो अब आप दोनों को समझना है कि आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं। मैडम सर प्लीज नहीं। संतोष। अरे बस एक्टिंग करनी है और वो भी वैसे हस्बैंड एंड वाइफ की जो बिल्कुल झगड़ालू है, एक दूसरे से सिर्फ लड़ते रहते और गाली गलौज करते हैं। ओके रेडी, बस थोड़ी देर की बात है। ठीक ठीक मैडम, हस्बैंड एंड वाइफ काफी है। एक्शन। क्या ऐसे क्या देख रहे हो, काम हुआ? कौन सा काम? ओह तो अब तुम्हें काम भी याद नहीं, पूछ रहे हो कौन सा काम? तो तुमको हमको काम देने के अलावा और कोई काम है? 24 घंटा काम देती रहती हो हमको, कितना ज्यादा काम देती हो। हाँ, खुद का काम नहीं दे रही हूँ, तुम्हारे घर का ही काम है, तुम्हारा ही काम है। ये घर तुम्हारा भी है? कौन सा घर? हमारी औकात कोई है इस घर में? इस घर में एकदम पोछा की तरह समझती हो तुम हमको? तुमने कौन सा मुझे अपने पलकों पे बैठा के रखा है? ठीक है नहीं रखना पलकों पर बिठा कर, तो शक्ल नहीं देखनी हमको तुम्हारी। मैं कोई मरी नहीं जा रही तुम्हारी मनुष्य शक्ल देखने के लिए। हाँ ठीक है फिर बाहर में जाओ। तुम बाहर में जाओ। नक्चढ़ी, बदतमीज, चुड़ैल, डायन, घटिया, थर्ड क्लास चीप। तो क्या रे? देखा देखा देखा, सुना सबने, तोते का मूड ही खराब कर दिया पूरा। अब मूड खराब होने पर दुकानदार नॉर्मल अंडा नहीं देता, ये सोने का अंडा कैसे देगा? अभी देखो, अभी हम जय हिंद सर। जय हिंद। क्या सही टाइम पे एंट्री मारी है। मैं अभी जस्ट बोलने ही वाले थी कि अगला जो हम करने वाले उसके लिए मेरे को एक हस्बैंड की जरूरत है। अभी तुम आ गए हो तो अभी हस्बैंड तुम ही बनोगे। नहीं नहीं हम कहाँ। मना मत करिए, देखिए सर केस सॉल्व होने वाला है, प्लीज। तो हमें करना क्या है? कुछ नहीं, हमें बस हस्बैंड और वाइफ होने की एक्टिंग करनी है। ऐसे हस्बैंड वाइफ जो एक दूसरे के प्यार में बिल्कुल डूबे हुए हैं, एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और बहुत ही अदब और तहजीब से एक दूसरे से बात करते हैं। हमें बोलना क्या है? वही जो दिल से निकले। दिल में बस यही है कि किस तरह हम आपसे अपने किए की क्षमा मांगे, किस तरह आपके उन घावों पर मरहम लगाए जो हमने आपको दिए हैं, किस तरह उस एक एक असहनीय पल का कर्ज चुका पाए जो हमारी वजह से आप झेलती आई हैं, किस तरह हम उस गलती के बोझ से छुटकारा पाए जो आज तक हम अपने मन में लिए घूमते रहे हैं। काश हम समय का चक्र पलट पाते और वो सब कुछ ठीक कर पाते जो हमने बिगाड़ दिया है। सबके अपने दर्द अनुभव, अपने बोझ, अपने गिल्ट। हो सकता है हम भी अपने आप को आपके उतने ही गुनहगार मानते हो जितना आप मानते हैं खुद को। हो सकता है कि हमें भी उन गलतियों का, उन गलत फहमियों का पछतावा हो। हम भी उनके लिए माफी मांगना चाहते हो जो अनजाने में हमसे हो गई। हम आपसे वादा करते हैं कि इस बार अगर सब कुछ ठीक हुआ तो फिर से हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। हर पल आपको यह एहसास करवाएंगे कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं हसीना जी। आई लव यू। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं अनुभव। आई लव यू टू। आई लव यू। आई लव यू। ये
यही तो एहसास है जो हमें यकीन नहीं करने दे रहा है कि आप हसीना नहीं उर्मिला है। अरे वाह, क्या बात है, आप तो काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं उर्मिला मात्रे। तू भी कम नहीं है चिक्कू। मैडम देख लिया आपका प्यार का फंडा, लेकिन कहाँ है सोने का अंडा? अंडा? हाँ। What सोने का अंडा? अरे अभी इसने जो तीन बेशकीमती शब्द कहे हैं वो क्या सोने से कम है? आपने बिल्कुल सही कहा था मिस्टर किशन, ये एक तोता है, एक पक्षी। इसकी फितरत ही ऐसी है कि इसे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो देखता है सुनता है अपने आप सबके सामने दोहरा देता है, बिल्कुल एक मासूम अबोध बच्चे की तरह। तजुर्बा कहता है हमारा, परवरिश, माहौल और परिवेश, जानवर हो पक्षी हो या फिर इंसान, ये तीन चीजें ही उसे अच्छा या बुरा या सही या गलत बनाती हैं। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने घर में कैसा माहौल रखना चाहते हैं। जैसा आप कहेंगे वैसा वो कहेगा। हर केस को जज्बात के नजरिए से सिर्फ हसीना मलिक देखती थी, पर यही नजरिया उर्मिला का कैसे हो सकता है? सही कहा मैडम जी आपने, कमी हमारे तोते में नहीं, हम दोनों पति पत्नी के रिश्ते में थी। आज ये तोता था, कल को अगर हमारी संतान होती तो वो भी हम पति पत्नी को यूं लड़ाई झगड़ा करते देखकर क्या सीखती हमसे? यही ना, झगड़ा, अपमान, नफरत। अब ये बात हमें समझ में आ गई है कि अगर हम आज चूक गए तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी खराब हो जाएगी। हम ये बात अच्छे से समझ गए, क्यों पिंकी जी? जी हमको भी मैडम जी, हम वादा करते हैं हम आज के बाद कभी नहीं झगड़ेंगे। आई लव यू पिंकी जी। आई लव यू टू। आई लव यू, आई लव यू। देखा दोस्तों, एसएचओ हसीना मलिक ने फिर एक बार ये दिखा दिया है कि सच में इस पुलिस थाने में एक ऐसी जादू की छड़ी है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे सकती है, बिछड़े दिल और टूटे रिश्तों को फिर एक बार हिला सकती है। और ऐसे इस महिला पुलिस थाने को हमारा दिल से सलाम, हमारी तरफ से भी। अरे सर, प्रभु जी आप, क्या बात है, आप तो बहुत ही अच्छे और मनमोहक लग रहे, बिल्कुल हिंदी फिल्मों के हीरो की तरह। सच्ची में सर, एक्चुअली सभी लोग अपन को बोलते हैं ना सर, साइड से अपन ऋतिक जैसा दिखते हैं। अरे हाँ, ये साइड से ऋतिक, ये साइड से शाहरुख, क्या बात है, आप तो छा गए प्रभु जी। वैसे रिशा, रिशा कौन? ऋतिक शाहरुख। ओ, अपन, ऋषा एक बात बताइए कि आप अपनी पहली डेट पर उर्मिला के लिए क्या भेंट लाए हैं? अरे देवा, ये तो लोच हो गया फिर, अपन कुछ नहीं लाया सर। चलो कोई बात नहीं, हम किस लिए हैं? आपको दे दूं गिफ्ट में। अरे नहीं प्रभु, ये लीजिए प्रभु जी, अपने पहले डेट की शुरुआत इन खूबसूरत फूलों से और इनकी महकती खुशबू से कीजिए। क्या बात है सर, आप तो पूरा बगीचा लेके आए। वैसे कहाँ पे जा रहे थे, कौन से रेस्टोरेंट पे? नहीं वो उर्मिला यहाँ पे आ रही है ना सर। लकी मैन, लकी मैन, लकी मैन, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद, धन्यवाद सर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। शुक्रिया, शुक्रिया सर। ऋषा, अपन ऋषा, ऋषा, ओके। आहा, एकदम हीरो के माफिक। उर्मिला, हाँ बोल, क्या ते ये क्या बन के आ रहे? बन के बोले तो अपन डेट पे ना, आज चमकना तो बनता है ना। हाँ चमक रहा है, बहुत चमक रहा है, बिल्कुल काली पीली टैक्सी के माफिक। अरे ठीक क्यों नहीं है? अरे बस कर। अरे मेरे को एलर्जी है फूलों का, दूर कर इसे। हाँ?
सर प्लीज इन्हें हमसे दूर करिए प्लीज। क्यों हसीना जी, आपको ये पुष्प पसंद नहीं आए? नहीं नहीं पसंद है, लेकिन अच्छी हमें फूलों की एलर्जी है। हम सही थे, दो इंसानों की सूरत एक जैसी हो सकती है, शारीरिक कमजोरियां नहीं। आप ही हसीना मलिक हो, उर्मिला मात्रे, और अब हमें इस बात पर कोई संदेह नहीं, आप स्वयं अपने मुंह से ये बात स्वीकार करेंगी। अब तक आपके राज से एक प्रेमी पर्दा उठाना चाहता था, पर अब ये काम एक रॉ एजेंट करेगा। अरे लेकिन अभी दवाई खाना पड़ेगा मेरे को। अच्छा सुन ले ए उर्मी, कौन है तुम्हारा वो आशिक मुंबई वाला साजन? कैसा रहा उसके साथ तुम्हारा डेट? उसके साथ ही गई होगी ना अपना वैलेंटाइन बनाने? अरे वो कोई मेरा डेट बीट नहीं है, मेरे को कोई प्यार भी नहीं है उससे, वो फालतू मेरे गले पड़ा है। अच्छा और क्या? और वैसे भी सुनना डार्लिंग, ये दिल है मेरा, दिल तवा पाव नहीं है कि अल्टा पलटा बटर लगाया और दे दिया किसी को भी। वो छोड़, तू बता मेरे को तेरा कैसा रहा डेट, तेरा वैलेंटाइन तेरे मर्द के साथ? किधर मस्त बैठ के ऐसे दो दो घूट लगाया, गप्पे शप्पे, डिनर विनर, कैंडल लाइट, बता ना। साथ में बैठ के खाना खाए हमको 4 महीने हो गए हैं और तुम बाहर जाने का बात कर रही हो, पगला गई हो का? क्या बात कर रही है, तू गई नहीं किधर अपने मर्द के साथ? नहीं समय नहीं मिला ना हमको, जब से मैडम सर का, उसके बाद से सारा जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर ही आ गया, पूरे थाने का, तो कहाँ समय मिलता है हमको। क्या रे तू भी कैसी है रे, मैं होती ना तेरे जगह, मैं नक्की थोड़ा आधा दिन की ड्यूटी ना वन टास्क करके जाती अपने मर्द के साथ। छोड़ जान दे, वैसे भी किसको बोल रही मैं तेरे को। तू तो सुतली बम है, सुतली बम, तू खाली फट सकती है, किसी के लिए मर मिट नहीं सकती। हम सुतली बम है हाँ, बड़ा वाला। तुम्हारी जानकारी के लिए हम तुमको एक बात बता दें, हमारा लव मैरिज हुआ है, और ऐसा मैरिज हुआ है एकदम, लव हमारा ऐसा था एकदम धुआंधार। मेरे को यकीन नहीं है, मेरे को लग रहा है तू खाली फेंक रही है। अच्छा एक काम कर, मेरे को शुरुआत से बता, इश्क कैसा हुआ, शादी कैसा हुआ, क्या राड़ा भीड़ा हुआ उसके बीच, सब बता तो मैं मानेगी। सब बताते हैं तुमको, हम सबसे पहली बार मिले थे वो झूला पे। क्या बात कर रही है, फिर उसके बाद ये ठीक नहीं है समीर, हमें इस तरह से फाग की शादी नहीं करनी चाहिए। देखो स्वाती मैं जानता हूँ ये ठीक नहीं है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है ना, चलो भागो। अब लेकिन तुम्हारी माँ को मैं कभी पसंद नहीं आऊंगी। मैं जानता हूँ हमारे बड़े नाराज है हमसे, लेकिन एक बार शादी हो जाएगी ना फिर वो लोग भी मान जाएंगे। हमें अभी भागना पड़ेगा, मंदिर भी तो ढूंढना, वो लोग हमारे पीछे, भागो। अरे क्या बात है चटक चांदी, मेरे को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि इतने बड़े पत्थर के अंदर एक इतना सॉफ्ट दिल भी है। थोड़ा प्यार के परिंदे टाइप लग रहे हैं, लग रहा है कुछ तो प्रॉब्लम है इनके साथ, चल देखते क्या है। भागो। अरे अरे रुको रुको रुको, मैं अच्छी पुलिस वाली है, एक मिनट। मतलब ये भी शादी के जोड़े में आप लोग भाग रहे हो, घबराए भी लग रहे हो, समस्या बताइए हल निकालेंगे। दरअसल मैडम बात ऐसी है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। हाँ वो तो हमको दिखाई दे रहा है कि आप शादी के जोड़े में शादी करना चाहते हैं, पर ऐसे भगदड़ में कौन शादी करे? अरे मैडम हम लोग भागकर शादी करना चाहते हैं। वही मैं कह रही हूँ, भागकर मत करो, रिक्शा लेके जाओ। अरे मैडम मैं कह रहा हूँ वो वाला भाग के नहीं, ऐसे वाला भाग के शादी करना चाहते हैं जिसकी वजह से हमारे सारे घर वाले पीछे पड़े, मेरी माँ हमारे पीछे पड़े हैं, अगर आज उन्होंने हमें पकड़ लिया ना तो हमारी शादी कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ये बवाल है क्या? मतलब एक मिनट, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी शादी नहीं हो सकता है? अपना मनपसंद जीवन साथी ढूंढने का अधिकार जो है वो संविधान ने दिया। मैडम आप कुछ कीजिए ना, आप हमारी मदद करिए, इनकी मम्मी के आने से पहले आप हमारी शादी करवा दीजिए। अरे इधर इधर कैसे? अरे इधर नहीं मैडम, मंदिर में। पंडित जी ने कहा है कि कल शाम 4 बजे तक हमारी शादी नहीं हुई ना तो अगले 3 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है शादी करने के लिए। 3 साल? 3 महीने? 3 महीने? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन से मंदिर में शादी करने का है, कौन से पंडित से बात हुई है? तुमको मालूम है ना कागज कागजात कार्यवाही सब लगता है, वो विटनेस गवाह चाहिए, उनका साइन लगेगा, ये सब है तुम्हारे पास? नहीं मैडम हमारे पास कोई गवाह तो नहीं है। वाह 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 बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया। आपको क्या लगता है कि हाथ में हाथ डाल लिया, शादी का जोड़ा पहनिए तो शादी हो जाएगा? ऐसे शादी होता है क्या, ऐसे हड़बड़ी में? ऐसे अब समझ के शादी करना पड़ता है ना, जिंदगी भर का सवाल है। हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम शादी करने निकल गए हो या गोलगप्पा खाने निकल गए हो। हाँ मैडम प्लीज कुछ कीजिए, हमारी शादी करा दीजिए 4 बजे तक, प्लीज 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 करा दीजिए। हाँ ठीक है, थाने आओ, थाना में शादी होगी तुम दोनों की और हम बनेंगे विटनेस, और वो क्या कहते हैं जो विवाह प्रमाण होता है उसमें हम सिग्नेचर करेंगे, देखते हैं कौन रोकता है तुमको शादी करने से। चलो थाना मार सर। अरे जीती, ये तो पुलिस वालों के साथ भाग गए।
कुछ भी हो जाए ये शादी तो मैं होने नहीं दूंगी। आए कह दिया सो कह दिया, कुंती का फैसला पत्थर की लकीर। क्या पार्टी पार्टी चाहिए, ये पकड़ो तुम 1000 रुपए। दुल्हन आपने मेरे लिए दुल्हन लाई, थैंक यू सो मच। आओ तो आदमी, ये तुम्हारी नहीं है उनकी दुल्हन है, समझे तुम। और जिसने 1000 रुपए दिए उनसे पूछो तो सही क्या करना है इसका। दो वक्त की बिरयानी एक वक्त में खा के आना है बस। पंडा पड़ेंगे ना साथ में तो तुमको और मजा आ जाएगा। आज हमारे थाने में शादी है, शादी होगा हमारे थाने में। आप लोग अंदर जाइए। हाँ सुनो, ऐसा है फटाफट शादी का इंतजाम करना है, पंडित मंडप और जो भी तैयारियां होती है, बैंड बाजा बारात सब लेकर आना है, ठीक है, जल्दी जल्दी। 1000 रुपए में इतना सब कुछ? अरे गुड्डा गुड्डी की शादी नहीं होती, 10000 तो चाहिए कम से कम। एक सेकंड मैडम सर, ये आप क्या कर रहे हैं? ये आपके पैसे मैडम सर, ये आप रखिए, ये हम देख लें। कोई बात नहीं करिश्मा सिंह, कभी कभी पैसे नहीं दुआ कमानी चाहिए। 1, 2, 3 हजार, 3000 में तलाक नहीं होता, शादी कैसे होगी? अब होगी होगी, तुम जल्दी करो फिर। दरअसल ना हम लोग घर छोड़कर नहीं भागे, शादी छोड़कर भागे। किसका शादी छोड़कर भागे? अपनी शादी से। हैं? आप दोनों अपनी अपनी शादी छोड़ के भाग गए? नहीं, एक ही शादी छोड़ के भाग गए। अच्छा किसकी, आपकी के उनकी? हाँ। अरे उसकी और मेरी एक ही शादी छोड़ के भाग गए। हमारा क्या टोपा गए हो क्या? बिल्कुल, जब शादी हो रहा था सब थे वहाँ पे, सबकी रजामंदी से हो रहा था, फिर भी तुम उसको छोड़ कर भाग गए? जी। एक दूसरे से शादी करने के लिए? जी। माँ क्या बिल्कुल ही दिमाग का चूरन कर दोगे क्या हमारा? जब शादी अच्छे से हो रहा था तो छोड़ के काहे भागे? शादी तो हो रहा था ना भैया। वही तो। क्या वही तो? नहीं हो रहा था। अभी तो बोला हो रही थी। अभी नहीं मैडम, शादी हो रही थी, 6 फेरे हो चुके थे। हाँ, बात 6ठा फेरा तक पहुँच गया था। हाँ, 6 फेरे हो चुके थे, 7वां फेरा शुरू होने वाला था, लेकिन बीच में माँ आ गई। किसकी? मेरी माँ। हाँ? हाँ तो बीच में आ गई मतलब वो 7वां फेरा शुरू होने से पहले हमारी शादी को कैंसिल करने का हुक्म दे दिया, इसलिए मुझे मेरी सूटी को लेकर वहाँ से भागना पड़ा। इसको किसको किसको लेकर भागना पड़ा? स्वाति माई वाइफ होने वाली। अरे पर फरार होना ही क्यों पड़ा, अपनी ही शादी छोड़कर क्यों भागना पड़ा? क्योंकि मेरी माँ ने मेरी सूटू को चिकन कबाब खाते हुए देख लिया। अरे इतनी सी बात भड़केगी ना, अभी शादी छोड़ के फेरे बीरे छोड़ के अगर बैठ के वो तंगड़ी तोड़ेगी इधर तो किसी को भी गुस्सा आएगा क्या? रे शादी की बात नहीं खा सकती थी? अरे सोशल अकाउंट पे देखा था। किसके सोशल अकाउंट? मेरे। हाँ और 7वां फेरा शुरू होने से पहले मामा जी चिकन कबाब खाते हुए स्वीटी का फोटो माँ को दिखा दिया। अरे किसकी माँ को दिखा? मेरी माँ को। रे मेरी माँ वहीं से भड़क गई और वहीं पे सारा प्रॉब्लम शुरू हो गया। ये वाला फोटो मेरी माँ शुद्ध शाकाहारी है, पर जब उन्हें पता चला कि उनकी होने वाली बहू नॉनवेज खाती है तो वहीं से प्रॉब्लम शुरू हुआ। एक मिनट, आपकी प्रॉब्लम क्या थी? एक मुझे ये बताओ कि अपनी माँ को शादी के पहले क्यों नहीं बताया था कि तेरी आइटम टंगड़ी दबाती है? मैडम मैंने कहा था समीर को बताने के लिए, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। देखिए मैडम, अगर मैंने ये बात अपनी माँ को बता दी होती तो मेरी माँ हमारी शादी के लिए कभी राजी नहीं होती। मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो अपनी कुछ चीजों को लेकर बहुत ही पर्टिकुलर है, दुनिया चाहे इधर की उधर क्यों ना हो जाए लेकिन वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। वो नॉनवेज के इतने खिलाफ है कि वो नॉनवेज का नाम तक नहीं बोलती है। हैं? क्या बोलती थी? मैडम पंडित जी कब तक आ रहे हैं? संतोष जी, संतोष जी। पंडित जी तो आ जाएंगे लेकिन हमें आपको बताना है कि आप बहुत गलत कर रहे हैं। हाँ आप शादी करने जा रहे हैं, ये रिश्ता झूठ की बुनियाद पे होना ही नहीं चाहिए, ये सच की बुनियाद पे होना चाहिए। आपने काहे नहीं बताया उनको? मैंने भी यही कहा था मैडम कि ये शादी हमें सबको सच बताकर करनी चाहिए। अब देखो ना टूट गई ना शादी, कितना एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है मुझे। आई एम सो सॉरी सूटू, लेकिन मैं क्या करूं, मैं हर हाल में तुमसे शादी करना चाहता हूं, मैं तुम्हें पाना चाहता हूं सूटू, लेकिन देखो फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है, हालत चाहे कैसे भी हो
आज तो हमारी शादी हो रही है ना, फिक्र मत करो। मैडम पंडित जी कब तक आ रहे हैं? हेलो। हाँ बोल मेरे चिक्कू। आप हमें मिल सकती हैं? आपको एक सरप्राइज देना है। कैसा सरप्राइज? सरप्राइज है, बता थोड़ी सकते हैं। ठीक है, कहाँ मिलना है? हसीना जी का घर कैसे रहेगा? आप पहुंचिए, हम वहां पहुंच रहे हैं। घर? मेरे घर काहे के लिए? आपका घर? पर वो तो हसीना जी का घर है ना। और वैसे हमने वो घर इसलिए चुना है क्योंकि सरप्राइज देने के लिए उससे बेहतर जगह और कोई हो ही नहीं सकती। और आप ये सरप्राइज आजीवन नहीं भूलेंगी। ठीक है। ऐसा क्या सरप्राइज हो सकता है? आइए हसीना मलिक, आज आप अपना सच खुद अपने मुंह से हमें बताएंगी। आज इस राज से पूरी तरह पर्दा उठ जाएगा कि असल में आप हैं कौन, उर्मिला महादेव मात्रे या हसीना मलिक। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।